नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा, स्वागत करता हूं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एक गुरुकुल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में लोग पढ़ने वाले हैं BLI 226 की बुकलेट नंबर 2 का यूनिट नंबर 8, जिसका टाइटल है मेंटेनेंस एंड प्रिजर्वेशन। आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे नीड फॉर प्रिजर्वेशन या डेफिनेशन ऑफ प्रिजर्वेशन से स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन पढ़ने की या समझने की कोशिश करेंगे कि प्रिजर्वेशन की डेफिनेशन क्या है, मतलब क्या होता है और उसकी नीड क्यों है या ज़रूरत क्या है प्रिजर्वेशन करने की किसी भी लाइब्रेरी जैसे इंस्टीट्यूशंस में। कॉजेज ऑफ डिटोरेशन ऑफ लाइब्रेरी मटीरियल, लाइब्रेरी में जो मटीरियल्स होते हैं, जो भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं, बुक्स, मैगजीन्स, पीरियडिकल, CD, DVD और भी जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो किस तरह से ख़राब हो रहे हैं, किस तरह से वो डिप्रिशिएट हो रहे हैं, डिटोरेशन हो रहा है उसमें, किस तरह से उसमें हाश हो रहा है हिंदी में कहें तो, उनके बारे में समझेंगे। जिसमें हम लोग पहले देखेंगे इंटरनल और इनहेरेंट कॉज ऑफ डिटोरेशन, क्या इंटरनल कॉजेज़ क्या क्या हैं, लाइब्रेरी के अंदर ही कुछ ऐसे कॉजेज होते हैं जिनसे डिटोरेशन होता है। एक्सटर्नल कॉजेज ऑफ डिटोरेशन, कुछ बाय कारण होंगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से डिप्रिशिएशन हो रहा होगा। कॉमन कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ डिजिटल डाटा, डिजिटल डाटा के कॉमन लॉस का क्या रीज़न है, किस तरह से होता है उसको देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे प्रिजर्वेशन की, हम लोग कैसे जो डिटोरेशन हो रहा है, डिप्रिशिएशन हो रहा है, उसको किस तरह से कम किया जा सकता है, उसको किस तरह से प्रिजर्व करके अपने जो स्टडी मटेरियल्स हैं, जो मटेरियल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको ज़्यादा टाइम तक प्रिजर्व रख सकते हैं। फिजिकल मेंटेनेंस, रिपेयर एंड बाइंडिंग, इनके बारे में देखेंगे कि ये कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं मेंटेनेंस करके, रिपेयर करके या बाइंडिंग करके, जिससे हम लोग अपने मटेरियल्स को ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके या प्रिजर्व करके रख सकते हैं, जिसमें हम लोग प्रिजर्वेशन के टेक्निक्स देखेंगे, बाइंडिंग देखेंगे, मेंटेनेंस ऑफ कलेक्शन, कलेक्शंस में जिस तरह से मेंटेन किया जाता है, किस तरह से मेंटेन किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टॉक वेरिफिकेशन को देखेंगे, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और मेथड्स क्या होते हैं स्टॉक वेरिफिकेशन के, और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे वीडिंग। वीडिंग का मतलब होता है कि छटनी करना, निकालना, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनमें उनको हम लोग टाइम टू टाइम, जो आउटडेटेड हो चुके हैं उनको हम लोग वाइंड आउट करते हैं अपनी लाइब्रेरी से, उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला टॉपिक, डेफिनेशन ऑफ प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है या प्रिजर्वेशन का मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग कॉमन भाषा में बात करें तो कोई ऐसी चीज़, अगर हम लोग लाइब्रेरी साइंस से थोड़ा सा देखें जनरल टर्म में, तो कोई ऐसी चीज़ जिसको आप सहेज कर रखना चाहते हैं लंबे समय तक के लिए। ठीक है, आप चाहते हैं कि ये जो चीज़ है या ये जो मटेरियल है, ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास लॉन्ग टाइम तक के लिए स्टोर्ड रहे, और उसको हम लोग बचाते हैं धूप से, गंदगी से, मिट्टी से, ठीक है, या चोरी ना हो पाए वो, कोई इसको डैमेज ना कर दे, ये सारी चीज़ें हम लोग अगर किसी चीज़ को बचा कर रखने के लिए कर रहे हैं तो वो होता है प्रिजर्वेशन। अब इसी को जनरल साइंस के रूप में अगर हम लाइब्रेरी साइंस के रूप में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं लाइब्रेरीज़ में, उनको बचा कर रखना, उनको इस तरह से प्रिजर्व करना, उनको डैमेज होने से बचाना, उनको लॉस होने से बचाना, उनको धूप, मिट्टी, डस्ट, जो भी केमिकल, बायोलॉजिकल चीज़ें हैं उनसे बचाना, सो दैट कि हमारे रिसोर्सेज लॉन्ग टाइम तक हमारे पास सस्टेन कर सकें, ये होता है प्रिजर्वेशन। डेफिनेशन देखते हैं, इन लाइब्रेरी एंड आर्काइवल साइंस प्रिजर्वेशन इज सेट ऑफ एक्टिविटीज एम टू प्रोलोंगिंग द लाइफ ऑफ रिकॉर्ड्स, बुक्स और ऑब्जेक्ट वाइल मेकिंग अ फ्यू चेंजेस एज पॉसिबल। कोई ऐसी चीज़ या ऐसा कोई मेथड जिससे हम लोग हमारे जो रिसोर्सेज हैं, और लाइब्रेरी साइंस में क्या क्या रिसोर्सेज हो सकती हैं, बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, ठीक है, CD, DVDs, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, ड्राइव, डिजिटल डाटा, ये सब चीज़ें हमारे रिसोर्सेज हैं, और इनको ही बचा कर रखना, इनको सहेज कर रखना, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन अगर ज़रूरी हो, नीड हो, नेसेसरी हो, तो करते रहने के साथ साथ इनको बचा कर रखना प्रिजर्वेशन कहलाता है। अकॉर्डिंग टू क्लेटन एंड गॉर्मैन, प्रिजर्वेशन इज अ जेनरिक टर्म एंड इंक्लूड ऑल एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट। दिस इज अ कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ कंजर्वेशन विच रिफर्स टू द ट्रीटमेंट ऑफ आर्टिफैक्ट्स इन ऑर्डर टू एक्सटेंड देयर यूजेबल लाइफ। ऐसे कुछ प्रोसेस या ऐसे कुछ चीज़ें, मेथड या फिर एक्टिविटीज़ जो हमारे रिसोर्सेज को लॉन्ग टाइम तक, ठीक है, उसको उसकी लाइफ हम लोग बहुत लंबे टाइम तक यूजेबल बना सकें, और उसमें बहुत सारे मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है, मेंटेन करना, प्रिजर्व करना, उसको थेफ्ट से बचाना, उसको प्रॉपर डस्ट, सॉरी उसको मतलब प्रॉपर मेंटेनेंस से, डस्ट से बचाना, ह्यूमिडिटी उसमें मेंटेन रहे, जो भी हमारे पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं उनमें, सो दैट कि वो लॉन्ग टाइम तक बचे रह सकें। तो फ्रेंड्स, ये थी एक नॉर्मल, एक जनरल सी डेफिनेशन प्रिजर्वेशन की। नेक्स्ट देखते हैं हमारी अगर हाँ सॉरी हाँ नेक्स्ट देखते हैं कि प्रिजर्वेशन में
और कौन कौन सी चीज़ें या प्रिजर्वेशन से सिमिलर कौन कौन सी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती हैं। एक तो हमने अभी देखा प्रिजर्वेशन के बारे में, उसी का एक जनरल टर्म आता है उसी से रिलेटेड, कंजर्वेशन और फिर रिस्टोरेशन। देखिए प्रिजर्वेशन के बारे में भी हमने पढ़ा, कुछ ऐसी टेक्निक्स ऐसे मेथड जिससे हम लोग अपने रिसोर्सेज को लॉन्ग ड्यूरेबल तक यूज़ करने में या करने में ला सकें। कंजर्वेशन का मतलब हुआ उसको बचाना। देखिए प्रिजर्व करना कुछ ऐसे मेथड एंड टेक्निक्स का काम होता है जिससे हम लोग उसको लॉन्ग ड्यूरेशन तक यूजेबल बना सकें, ठीक है। कंजर्वेशन का मतलब हुआ डिनोट्स दी स्पेसिफिक पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व इन द प्रमोटिंग लाइब्रेरी एंड आर्काइव मटेरियल्स फ्रॉम डिटोरेशन, डैमेज एंड डिके, इंक्लूडिंग द मेथड्स ऑफ टेक्निक्स डिवाइड बाई टेक्निकल स्टाफ। यहाँ पे कुछ ऐसी टेक्निक्स बताई जा रही हैं जो डिके होने से, मतलब खराब होने से पहले की कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे मेथड्स को बताया जा सके जिससे उसको कंजर्व किया जा सके। खराब होने के पहले की टेक्निक्स को हम लोग कंजर्व करते हैं, बचा कर रखना, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो जनरल स्टाफ्स के द्वारा की जाती हैं, जिसमें डस्टिंग हो सकती है, केमिकल्स का छिड़काव ताकि दीमक उमक ना लगे, है ना, और प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर ह्यूमिडिटी, ठीक है, अंदर का क्लाइमेट ऐसा रहे जहाँ पे वो जो रिसोर्स मटेरियल्स हैं हमारे वो प्रॉपर मेंटेन रह सके लाइफ टाइम तक। तो ये होता है कंजर्वेशन। और रिस्टोरेशन का मतलब होता है कि जो चीज़ें डैमेज हो गई हैं, ठीक है, हमारे कोई ऐसे मटेरियल्स, ऐसे रिसोर्सेस जो खराब हो चुके हैं, जो डैमेज हो चुके हैं, जो अपने पहले की कंडीशन में नहीं रह सके हैं, उनको वापस उस कंडीशन में, अपनी ओरिजिनल कंडीशन में लाने तक के लिए हेल्प करना, जिसमें हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं सपोज ऐसे बाइंडिंग। अगर कोई बुक फट गई है, उसमें उसके पेजेस फट गए हैं, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, दीमक लग गई है लेट सपोज, तो हम लोग उनको दीमक को हटाना है ताकि वो और ज़्यादा ख़राब ना करें। बुक्स पेजेस फट गए हैं तो उनको टेप से चिपकाना है, उनकी बाइंडिंग करनी है, ठीक है। प्रॉपर अगर ह्यूमिडिटी से ओस या ह्यूमिडिटी से पेपर गीले हो गए हैं, ठीक है, या पानी कहीं गिर गया है, तो उसको प्रॉपर सनलाइट में दिखाकर उसकी ह्यूमिडिटी को मेंटेन करना, तो ये सब चीज़ें कहलाती हैं रिस्टोरेशन, ठीक है। डैमेज हुई चीज़ों को वापस उसकी ओरिजिनल कंडीशन में लाना। नेक्स्ट देखते हैं नीड फॉर प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन की नीड क्यों है? अगर हम लोग जनरल बात करें तो हम लोग लाइब्रेरी खोले क्यों थे, या लाइब्रेरी बनाने का पर्पज़ क्या है? सो दैट कि वहाँ पर हमारे जो सर्विस रिसीवर्स हैं वो आएँ और लंबे समय तक के लिए अपनी वो हम उनको सर्विसेज दे पाएँ। तो अगर हमारे पास मटेरियल ही ख़राब होने लग जाएंगे, हमारे रिसोर्सेस ही ख़राब हो जाएंगे, तो उनको हम लोग अच्छी सर्विस या लॉन्ग टाइम तक सर्विस नहीं दे पाएंगे। इसीलिए हमें प्रिजर्व करना पड़ता है। और प्रिजर्व करने का सबसे जो तीन चार बेस्ट हमारे पास नीड हैं, जो ऑब्जेक्टिव आते हैं, वो हैं हेल्प ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज टू फ्यूचर जनरेशन। अब जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनमें जो नॉलेज है उनको हम आगे टाइम तक, आने वाली लाइफ तक या आने वाली जनरेशन तक हमें फॉरवर्ड करना है। अगर वो डिकम्पोज हो जाएंगे, वो ख़राब हो जाएंगे, अगर वो डीके हो जाएंगे, तो हम ये चीज़ें आगे पास ऑन नहीं कर पाएंगे। हेल्प इन द कम्युलेशन एंड फर्दर बिल्डिंग अप नॉलेज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जनरेशन बाई जनरेशन हमें चीज़ों को आगे पहुँचाना है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, हमारे जो वेद थे, वेद जो आज से लगभग 4,000-5,000 साल पहले लिखे गए थे, वो अगर हमारे पास नहीं पहुँचे होते आज तक, अगर उनको हमारे पूर्वजों ने प्रिजर्व नहीं किया होता, उनको बचा के नहीं रखा होता, तो वो नॉलेज आज हमारे पास तक नहीं पहुँच पाती। तो उनको बचाने का ही पर्पस था कि आने वाली जनरेशन इन नॉलेज से अपने आप को क्या कर सके, बेनिफिट कर सके। जैसे बहुत सारे ऐसे हमारे उपन्यास लिखे गए थे पहले, ठीक है, जैसे अगर आयुर्वेद को देखा जाए तो आयुर्वेद में जो सूत्र लिखे हुए हैं वो पतंजलि, ऋषि पतंजलि ने जो लिखे हुए थे वो आज तक हमारे पास नॉलेज में है, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमने उनको प्रॉपरली प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो इसी यही पर्पस है हमारे पास प्रिजर्वेशन का, या यही नीड है, ताकि हम आने वाली जनरेशन्स को वो नॉलेज पास आउट करते रहें। हेल्प इन द कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज विदाउट एनी वेस्टेज। हमें जो कंटेम्प्रेरी नॉलेज डेवलप हो रही है, जो डे बाय डे नॉलेज डेवलप हो रही है, उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते रहें विदाउट एनी वेस्टेज। बिल्डिंग ऑफ नॉलेज बाय यूनाइटेड एंड प्रॉपरलेस प्रिजर्वेशन ऑफ सॉरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफर्ट्स एंड कंजर्वेशन कॉन्सिक्वेंस वेस्टेज इन रिसर्च पोटेंशियल ऑफ ह्यूमिडिटी सॉरी ह्यूमिनिटी। ओके, नॉलेज को आगे उसी वे में, मतलब जिस वे में हमारे पास नॉलेज पहुंची है, मतलब उसमें ज़्यादा एडिशन ना करते हुए प्योर नॉलेज, ठीक है, उसको आगे अगर हम लोग पास आउट करते रहेंगे तो वो भी हमारे पास एक प्रिजर्वेशन का या नीड का एक बेहतर ऑब्जेक्टिव बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं कॉजेज ऑफ डिटोरेशन ऑफ लाइब्रेरी मटीरियल्स। लाइब्रेरी के मटीरियल्स का डिकम्पोज होना या उसको
उसमें डिप्रिशिएशन आना, उनको ख़राब होना, वो किस तरह से ख़राब हो रहे हैं या डिटोरेशन हो रहा है, उसमें हास हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, उसके कॉजेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमने बहुत सारे डिटोरेशन के कॉजेज को डिवाइड किया है जिसमें हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल कॉजेज देखते हैं, मतलब कुछ ऐसे कॉजेज जो लाइब्रेरी के अंदर ही, ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो लाइब्रेरी के अंदर ही मौजूद हैं जिनकी वजह से हमारे जो लाइब्रेरी रिसोर्सेज हैं वो डिटोरेशन हो रहे हैं, और उनको बचाने के लिए हम लोग कुछ मेजर्स हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले हमारे पास जो इंटरनल कॉजेज हैं, इंटरनल कॉजेज क्या होते हैं, मैंने आपको बताया कि वो लाइब्रेरी के अंदर ही मौजूद हैं, ठीक है, इंटरनल है, इसलिए इसको नाम इंटरनल दिया गया है। इसमें क्या क्या है, पेपर बेस्ड मटेरियल, देखिए हमारे पास जो पेपर्स हैं वो अगर अलमीरा के अंदर बहुत टाइम तक, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक रखे हुए हैं, अगर उनको खोला नहीं जा रहा है, उनको प्रॉपर उनकी डस्टिंग नहीं की जा रही है, तो उनमें ह्यूमिडिटी की वजह से, डस्ट होने की वजह से, या कुछ पेस्टिसाइड्स आ सकते हैं, दीमक आ सकती हैं जो पेपर को खाते हैं, या चूहे, ठीक है, जो डैमेज करते हैं हमारी बुक्स को, मटीरियल्स को, वो ख़राब कर सकते हैं। तो ये इंटरनल कॉजेज में आया। इंक, अगर कुछ मटेरियल्स ऐसे इंक से लिए गए हैं जो वैनिश हो सकती है, जो इवापोरेट हो सकती है, उड़ सकती है, फैल सकती है, तो ऐसी चीज़ें भी, या ऐसे मटेरियल्स, या ऐसे हमारे जो रिसोर्सेज हैं, उनको भी हमें प्रॉपर मेंटेनेंस देखनी पड़ेगी। लेदर, अगर हमने प्रॉपर उसको बाइंडिंग नहीं की है, या अच्छी बाइंडिंग नहीं हुई है, लेदर बाइंडिंग भी हुई तो लेदर का भी एक ड्यूरेशन होता है, ठीक है, उनमें भी डिकम्पोज या डिके होता है, जिसकी वजह से वो मटेरियल्स को ख़राब कर सकता है। फोटोग्राफ्स एंड फिल्म्स, बहुत सारी फोटोग्राफ्स और फिल्म्स होती हैं, डीवीडीज होती हैं, सीडीज होती हैं, उनमें भी ह्यूमिडिटी की वजह से, या प्रॉपर अगर सनलाइट उसको प्रॉपर ना मिले, या टेम्परेचर अगर नॉर्मल ना हो, ठीक है, अच्छा रूम टेम्परेचर ना मिले, तो वो सब भी फोटोग्राफ्स भी, या फिल्म्स, डीवीडी, सीडीज़, माइक्रोफिल्म्स भी ख़राब हो सकती हैं, इसलिए इनको भी हमें प्रॉपर टाइम पे चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेंगी। ये कुछ हमारे पास इंटरनल कॉजेज थे जिसकी वजह से हमारे पास चीज़ें, या हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो डिकम्पोज हो सकते हैं, डिटोरेशन हो सकता है उनका। एक्सटर्नल कॉजेज में देखेंगे लाइटनिंग, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। अभी आपको मैंने पहले ही बताया, देखिए लाइट, यहाँ पे लाइट का मतलब है सनलाइट। अगर किसी भी लाइब्रेरी के बिल्डिंग में प्रॉपर सनलाइट नहीं आ रही है, प्रॉपर हवा का वेंटिलेशन नहीं है, ह्यूमिडिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, बहुत उमस रहती है लाइब्रेरी के कैंपस के अंदर या अंदर, तो वो चीज़ें हमारे रिसोर्सेज को, मटेरियल्स को ख़राब कर सकती है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डस्ट, अगर बहुत ज़्यादा डस्ट आती है लाइब्रेरी के सराउंडिंग्स में, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है वहाँ पे, ठीक है, तो उनकी वजह से भी हमारे लाइब्रेरी मटेरियल्स या जो रिसोर्सेज हैं वो जल्दी डिकम्पोज हो जाएंगे। बायोलॉजिकल एजेंट्स एंड डिजास्टर्स, बायोलॉजिकल एजेंट्स का मतलब दीमक लगना, चूहे लगना, ठीक है, ये और कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे बुक्स को, मटेरियल्स को ख़राब कर सकती हैं वो, या फिर कोई डिजास्टर, सपोज सुनामी आ सकती है, आग लग सकती है, ठीक है, बाढ़ आ सकती है, ये सारी चीज़ें हमारे एक्सटर्नल कॉजेज में आ जाएंगी, जो लाइब्रेरी के बाहर से चीज़ें हमें अफेक्ट करती हैं, हमारे रिसोर्स को, मटेरियल्स को, ठीक है। अब यहाँ पे एक आर एस सिंह थे जिन्होंने बहुत चीज़ों को, मतलब जितने भी हमारे पास कॉजेज थे उनको चार कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसमें पहला है फिजिकल एजेंट्स, फिर है केमिकल एजेंट्स, बायोलॉजिकल एजेंट और एक्सीडेंटल एजेंट्स। फिजिकल में इन्होंने लाइट, मॉइस्चर, हीट और पार्टिकल्स को दिया है, ठीक है, कि अगर फिजिकल एजेंट्स में देखा जाए, ये आर एस सिंह ने इनको डिवाइड किया है, ये कोई मतलब यूनिवर्सल लॉ नहीं है, बस इनका एक दिया गया नाम है, क्योंकि हमारी बुक्स में है इसलिए हमें पढ़ना है। ये फिजिकल एजेंट्स में हमने देखा कि लाइट, मॉइस्चर और हीट और पार्टिकल्स, ये कॉजेज होते हैं, ये चार कॉजेज हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स में जिनकी वजह से हमारे पास, हमारे लाइब्रेरी रिसोर्सेज ख़राब हो रहे हैं। केमिकल एजेंट्स में एसिडिटी और गैसियस पोल्यूशंस, ये वजह हो जाती है हमारी केमिकल्स में। बायोलॉजिकल्स में बैक्टीरिया, फंगी, इंसेक्ट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे बुक्स को, मटेरियल्स को या सीडी डीवीडीज को ख़राब कर सकती हैं। और एक्सीडेंटल में फायर, फ्लड और शॉर्ट सर्किट, सुनामी, जो भी आपने पढ़े थे इससे पहले डिजास्टर वाले चैप्टर्स में, वो सारे आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें या ये कॉजेज़ हैं हमारे पास, हमारे मटेरियल के ख़राब करने की फैक्टर्स। कुछ एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फैक्टर्स में हमने देख लिया, लाइट देख सकते हैं, जैसे लाइट है, बताया था आपको, ह्यूमिडिटी अगर प्रॉपर लाइट ना हो, सनलाइट वहाँ पे नहीं पहुँचती तो ख़राब हो सकते हैं। टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, बायोलॉजिकल एजेंट्स के बारे में पढ़ा हमने, पोल्यूशन के बारे में पढ़ा। ह्यूमन कॉजेज में नेग्लिजेंस एंड लैक ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ द मटेरियल, अगर ह्यूमन कॉजेज में देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो लाइब्रेरी में जाते हैं बट वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर केयर नहीं करते हैं, वो पढ़ लिए तो कहीं भी रख दिए, पेपर फाड़ लिया वहाँ से, ठीक है, उसमें कुछ मार्क अंडरलाइन कर दिया,
ये सारी चीज़ें, थेफ्ट चुरा सकते हैं वो लोग, और वेंटिलेशंस मतलब उसमें से कुछ पेपर्स निकालना और ये सब करना। स्टाफ नेग्लिजेंस हो सकता है, नेग्लिजेंस बाय यूज़र कम्युनिटी अभी बताया आपको, थेफ्ट एंड वेंटिलेशन, मैग्नेटिक स्ट्रे फील्ड, बहुत सारे जो हमारे सीडी डीवीडीज़ होते हैं उसमें मैग्नेटिक टेप्स होती हैं वो ख़राब हो सकती हैं, मैकेनिकल डिफॉरेस्टेशन, डिजास्टर्स एंड सिक्योरिटी सिस्टम। तो ये कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स अदर देन जो हमने पहले पीछे पढ़े थे, उनके अलावा भी हमारे पास कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हमारे लाइब्रेरी को मटेरियल्स को ख़राब कर सकते हैं। कॉमन कॉज ऑफ लॉस ऑफ डिजिटल डाटा। ओके, डिजिटल डाटा आपने या आपको पता होगा, अब जो हमारा एरा चल रहा है, हम लोग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में अपने आप को देख रहे हैं इस समय, और इस समय जो फिज़िकल मटेरियल्स हैं या फिज़िकल रिसोर्सेज हैं उनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे पास कुछ इस समय डिजिटल डाटा आ चुका है, या डिजिटल लाइब्रेरीज़ में जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो फुल्ली डिजिटाइज है, ठीक है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई एक बार, तो वो पूरा डाटा ही एक बार में क्या हो सकता है, ख़राब हो सकता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि कुछ ऐसे कारण या कुछ ऐसे कॉज जिनकी वजह से हमारा डिजिटल कंटेंट जो है वो डैमेज हो सकता है, क्योंकि हम लोग प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, कंजर्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें अपने डिजिटल डाटा को भी बचा के रखना है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कॉमन कॉजेज़ हैं हमारे पास डिजिटल डाटा के ख़राब होने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजिटल डाटा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिए, पढ़ लेते हैं जल्दी से। डिजिटल प्रिजर्वेशन टू प्रिवेंट डिजिटल डिके इन येट मोस्ट स्पेशलिटी डिबेट इशूज़ अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल ड्यूटरेशन ऑप्सलेंस ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड स्टोरेज मीडियम एंड फेलियर टू सेव क्रूशियल फॉर्मेट इन्फॉर्मेशन मे कॉज डिजिटल डिके एंड लॉस ऑफ एंटायर कंटेंट ऑफ अ डिजिटल डॉक्यूमेंट। जनरली डिजिटल डाटा आर मच लेस सेल्फ अचीविंग देन प्रिंट डॉक्यूमेंट एंड ऑफ्टन दे आर रिक्वायर्ड मोर ह्यूमन एफर्ट्स टू डिस्क्राइब एंड टू डिस्क्राइब एंड टू प्रोवाइड कंटेंट ऑफ इंटरप्रिटेशन। देखिए, अगर एक बार फिजिकल मटेरियल डैमेज हो गया, कोई एक बुक लिखी गई थी, एक पब्लिशर ने लिखी थी, उसकी हज़ारों कॉपियां बनी थी, ठीक है, वो हज़ार कॉपियों में ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पे एक दो कॉपी ख़राब हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, और भी हमारे पास 9998 कॉपीज़ अवेलेबल हैं। लेकिन अगर कोई डिजिटल कंटेंट है और वो बहुत जगह उन्होंने स्टोर केस करके नहीं रखा है या उसका प्रॉपर बैकअप नहीं मेंटेन किया गया है, तो अगर एक बार वो वैनिश हो जाता है या एक बार कोई सॉफ्टवेयर फेलियर हो जाए या कोई भी कॉजेज हो जाए, अभी हम लोग पढ़ेंगे देखेंगे, तो उसकी वजह से वो सारा कंटेंट हमारा ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए हमें देखना है या हमें पढ़ना है कि हम लोग अपने डिजिटल कंटेंट को किस तरह से बचा के रख सकते हैं। पहला जो कॉज आता है वो है एक्सीडेंटल एरर, एक्सीडेंटल गलती से डिलीट हो जाए, ठीक है, मशीन ख़राब हो जाए, सिस्टम क्रैश हो जाए या सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाए, कोड भूल जाए, कुछ भी, कोई भी एक्सीडेंटल फेलियर हो सकता है या एरर हो सकता है जिसकी वजह से हम लोग अपने डाटा को इरेज कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं। वायरस, ठीक है, आपको पता होगा सिस्टम्स में, कंप्यूटर्स में बहुत सारे वायरस हैं, मेल फंक्शंस वायरस या ऐसे अनडिफाइंड प्रोग्राम होते हैं जिनको, जो इसीलिए बनाए ही गए होते हैं कि वो किसी दूसरे सिस्टम्स को ख़राब कर सकें। तो अगर ऐसे सिस्टम का अटैक होता है कहीं पे, तो वो डिजिटल कंटेंट को ख़राब कर सकते हैं। पावर फेलियर, ठीक है, कभी कभी आप चीज़ें मेंटेन कर रहे होते हैं, चीज़ें सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं, और पावर की वजह से, पावर ना रहने की वजह से, प्रॉपर तरीके से फाइल ना सेव होने की वजह से वो डाटा आपका लॉस हो सकता है, या फिर सॉफ्टवेयर का फेलियर या सॉफ्टवेयर की लाइफ ही ख़त्म हो गई हो जिसकी वजह से आप अब उस डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास कुछ कॉमन कॉजेज थे जिनकी वजह से हम लोग अपने डिजिटल डाटा को ख़राब कर सकते हैं या उनको लॉस कर सकते हैं। प्रिवेंटिव प्रिजर्वेशन, देखिए प्रिवेंटिव प्रिजर्वेशन का मतलब हुआ, अगर देखिए पहले हम लोग वर्ड देखें, प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन का मतलब होता है प्रिजर्व करना, बचा कर रखना, और प्रिवेंटिव का मतलब है कि बचा के कब रखना, खराब होने से पहले ही बचा के रखना। जैसे आप लोग बीमार पड़ें, ठीक है, अगर जिस समय हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में कोरोना जैसे वायरस ने अटैक कर रखा है, लेकिन अगर हमें कोरोना हो जाए, कोरोना होने के बाद हम वैक्सीन लें, डॉक्टर के पास जाएं, उनका ट्रीटमेंट कराएं और फिर हम फिट हो, तो इससे अच्छा है कि हम लोग कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव मेजर्स लें जिससे हमें कोरोना हो ही ना पाए। ऐसे ही हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि फिज़िकल डैमेज को बचाने से, मतलब हमारी जो लाइब्रेरी में रिसोर्सेज हैं उनको ख़राब होने से बचाने से, कुछ ऐसे टेक्निक्स, ऐसे टूल्स का इस्तेमाल किया जाए जो मटेरियल को ख़राब होने से पहले ही बचा सकें, उनको पहले से ही प्रिजर्व कर सकें, और ऐसे ही मेजर्स को या ऐसे ही चीज़ों को हम लोग कहते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है उनके बारे में कि प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं, इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं। लाइटनिंग, देखिए
अगर हम अपने लाइब्रेरी में प्रॉपर लाइट मेंटेन करें, वेंटिलेशन अच्छा हो हमारी लाइब्रेरी का, सनलाइट प्रॉपर आए वहाँ पे, ठीक है, मतलब ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा न मेंटेन हो पाए या इतनी ज़्यादा न वहाँ पे हो कि पेपर वहाँ पे गीले होने लग जाएँ, क्योंकि पेपर में अगर आप देखेंगे कि ह्यूमिडिटी होने की वजह से पेपर थोड़े मोटे हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, और वही अगर आप धूप में रखें तो पेपर एकदम टाइट हो जाता है क्योंकि उसमें ह्यूमिडिटी पूरी चली जाती है। तो प्रॉपर ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, ठीक है, और अगर सनलाइट प्रॉपर आती रहेगी रूम के अंदर, लाइट अच्छी रहेगी, तो वो ह्यूमिडिटी नॉर्मल जो ह्यूमन को चाहिए, जो पेपर्स को चाहिए, जो हमारे रिसोर्स मटेरियल्स को चाहिए, वो मेंटेन रहेगी, तो हमारी जो रिसोर्सेज हैं उनकी ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर अगर आप बहुत कोल्ड, बहुत ठंडी वाले इलाकों में हैं, तो आप अंदर अपने लाइब्रेरीज़ के अंदर कुछ ऐसे रूम हीटर्स को यूज़ करिए जिससे वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन रहे, या अगर आप बहुत गर्मी वाले इलाके में हैं तो कुछ इस तरह से एसीज़ को मेंटेन करिए, सो दैट कि वहाँ पे जो नॉर्मल टेम्परेचर है, जो ह्यूमन टेम्परेचर है या आइडियल टेम्परेचर है, वो बना रहे, जिसकी वजह से वहाँ की ह्यूमिडिटी भी मेंटेन रहेगी, ठीक है। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशंस, अगर आसपास आपके बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, ऐसे एरिया में आपकी लाइब्रेरी है जहाँ पे पोल्यूशन का लेवल ज़्यादा है, तो हमारे जो रिसोर्स मटेरियल्स हैं, हमारे जो DVD CDs हैं, या वहाँ पे जो काम करने वाले स्टाफ वर्कर्स हैं, उनकी लाइफ ख़राब हो सकती है, तो उनको भी बचाने के लिए हमें प्रॉपर एयर पोल्यूशन जैसी चीज़ों को भी फैक्टर में देखना पड़ेगा। बायोलॉजिकल एजेंट्स में हम लोग देख सकते हैं कि दीमक न लगने पाए, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लाइब्रेरीज में देखें चूहे हो जाते हैं जिसकी वजह से वो किताबों को ख़राब कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो दीमक की तरह होते हैं, वो खाते हैं लाइब्रेरीज़ को मेंटेन, मतलब लाइब्रेरीज़ के जो रिसोर्सेज हैं उनको ख़राब कर देते हैं। तो जो DVDs हैं, CDs हैं, कंप्यूटर्स हैं, है ना, वायर्स हैं, उनको बचाना है, चूहे हैं, दीमक हैं, इन सब चीज़ों से बचाना है। यहाँ पे केमिकल एजेंट्स भी देख सकते हैं हम लोग, ठीक है, बहुत ज़्यादा वायर, हीट और ये सब चीज़ों से अगर हम लोग बचें, तो ये सब अगर टेक्निक्स और टूल्स इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग प्रिजर्वेटिव मेजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं, सो दैट कि हमारी लाइब्रेरी में चीज़ों को ख़राब होने से पहले ही उसकी रोकथाम कर ली जाए और ख़राब होने के बाद की नौबत ही हमारे पास ना पहुँचे। ओके, नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ इंटेलेक्चुअल कंटेंट। इंटेलेक्चुअल कंटेंट का मतलब हुआ कि ऐसा कोई कंटेंट जो बहुत यूनिक है, ठीक है, बहुत रेयर है अपने आप में। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसी बुक्स होती हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती हैं, या कुछ ऐसा डिजिटल कंटेंट ही होता है जो बहुत प्रिकॉशियस होता है किसी भी लाइब्रेरी के लिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं हमारे ऑल ओवर इंडिया में या वर्ल्ड में जहाँ पे बहुत सारे रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स रखे हुए हैं, ठीक है, वो बहुत यूनिक हैं, और उनको बचा कर रखना, क्योंकि अगर वो ख़राब हो गए या उन पे कोई डैमेज हुआ तो वो चीज़ें हमेशा के लिए ख़राब हो जाएंगी, उनकी कोई सेकेंड कॉपी या कोई डमी नहीं है हमारे पास, तो उनको बचा कर रखना। अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, जैसे हमारे भारत का संविधान, हमारा जो भारत का संविधान है, जो ओरिजिनल भारत का संविधान है, जो हाथ से लिखा हुआ है, वो हमारी इंडिया की जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में नीचे ओरिजिनल वे में उसको स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप में यूनिक है, एक ही कॉपी है जो ओरिजिनल लिखी हुई थी, ठीक है, जो हाथ से लिखी गई है ओरिजिनल कॉपी, जिसमें हमारे उस समय के जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने जो सिग्नेचर किया था, मैं उस कॉपी की बात कर रहा हूँ, तो उसको बचा कर रखना, क्योंकि वो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही कॉपी है, तो उसको बचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल कंटेंट्स होते हैं, ठीक है, वो हैंड रिटन हो सकते हैं, वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हो सकती हैं, वो डिजिटल भी हो सकते हैं, उनको बचा के रखना हमारे पास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत रेयर हैं, ठीक है, वो एक ही है, एक या दो हैं, और वो बहुत वैल्यूबल होते हैं, क्योंकि वो रेयर हैं इसलिए वो वैल्यूबल हैं, उनको बचा कर रखना हमारे लिए हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट हमारा है बाइंडिंग। देखिए, बाइंडिंग भी एक टेक्निक होती है, क्या, अपने रिसोर्सेज को प्रिजर्व करना, उनको मेंटेन करना, उनको लॉन्ग ड्यूरेबल तक वो चीज़ें स्टोर करके रखी जा सकें, इसके लिए काम करना। तो कुछ बाइंडिंग्स की टेक्निक्स होती हैं, कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिनमें हम लोग देखेंगे कि बाइंडिंग्स कैसे की जाती हैं, किस तरह की जाती हैं, कितने टाइप्स की बाइंडिंग होती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बाइंडिंग भी क्या है, एक प्रोसेस है, एक तरीका है, एक टेक्निक है, जिसे हम लोग अपने जो लाइब्रेरी के मटेरियल्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, उनको लॉन्ग टाइम तक यूज़ करने के लिए बनाए जा सकते हैं। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, टू अवॉइड डैमेज ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम मिसहैंडलिंग, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्टिव है। टू सेफ गार्ड मटेरियल्स अगेंस्ट वियर एंड टीयर ऑफ यूजेस, ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। टू अवॉइड शैबी लुक्स फेस ऑफ मटेरियल्स, जो इधर उधर पन्ने निकल जाते हैं, वो
अजीब अजीब से पेपर इधर उधर से फैला जाते हैं, तो उनको प्रॉपर मेंटेन करके उनकी बाइंडिंग करना, सो दैट कि वो प्रॉपर मेंटेन में दिखने में अच्छे लगे। टू प्रिजर्व प्रीहर्शेबल्स एंड फेलियस मटेरियल्स टू मेक मटेरियल्स एट्रेक्टिव फॉर द यूजर्स। तो ये सारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, बाइंडिंग। और बाइंडिंग एक ऐसी प्रोसेस है, मैंने आपको बताया, जिससे हम लोग अपने मटेरियल्स को, रिसोर्सेज को लॉन्ग ड्यूरेबल तक यूज़ करने के लिए बनाते हैं या चाहते हैं। कितने तरह की बाइंडिंग्स होती हैं, क्लोथ बाइंडिंग्स, कपड़ों से बाइंडिंग करना है, ठीक है। कोई बुक होती है उसके चारों तरफ छोटा सा मोटा कपड़ा, सो दैट कि वो लॉन्ग ड्यूरेबल रह सके। लेदर की बाइंडिंग होती है, बहुत सारे जो लॉ कॉलेजेस होते हैं, लॉ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, लॉ लाइब्रेरीज होती हैं, वहाँ पर आप ज़्यादातर देखेंगे तो लेदर की बाइंडिंग की जाती है। पेपर बाइंडिंग नॉर्मल गत्ते की, छोटा मोटा पेपर, पतला पेपर, उस तरह से। और थ्रेड बाइंडिंग या सिर्फ धागे से करके उसको सिल दिया जाता है। तो बहुत तरह की बाइंडिंग्स होती हैं, कुछ उसमें हमने मेज़र यहाँ पे देखी हैं, इस तरह के चीज़ें की जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक वेरिफिकेशन। स्टॉक वेरिफिकेशन क्या होता है, देखिए स्टॉक का मतलब जो हमारे लाइब्रेरी में हमारा स्टॉक है, यानी जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको वेरीफाई करना। वेरीफाई करना क्यों वेरीफाई करना है, क्योंकि देखिए लाइब्रेरी में तो हर साल पता नहीं कितने यूज़र्स आ रहे हैं, मतलब 10,000 बुक्स पड़ी हैं, 50,000 बुक्स हैं, किसी किसी लाइब्रेरी में 10-10 लाख बुक्स पड़ी हुई हैं। और कितने यूज़र्स आए, कितने यूज़र्स गए, उनमें से किस यूज़र ने कौन सी बुक रिटर्न की कि नहीं की, किसी ने चुरा ली, ठीक है। बहुत सारे मैकेनिज़्म होने के बाद भी कुछ ना कुछ लॉसेस हमारे लाइब्रेरी में हर साल होते रहते हैं। अब अगर ये लॉसेस हो रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा, उनको वेरीफाई तो करना पड़ेगा कि कौन कौन से बुक्स, कौन कौन से मटेरियल्स अब हमारी लाइब्रेरी में, पहले हमारे स्टॉक में तो थे, मतलब हमारे रिकॉर्ड में तो हैं, SSN रजिस्टर में तो हैं, लेकिन अब वो फिज़िकली मेंटेन या फिज़िकली अवेलेबल नहीं है, कोई उसको चुरा के ले गया है या कोई बुक ले के चला गया था, अभी तक रिटर्न ही नहीं किया है। तो ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए हम लोग ईयर एंड में, ठीक है, वैसा कि ज़रूरी नहीं है कि ईयर एंड में ही किया जाए, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली देखा जाता है कि लाइब्रेरी साइंस में स्टॉक वेरिफिकेशन ईयर एंड में किया जाता है, साल में एक बार ज़रूर होता है स्टॉक वेरिफिकेशन। और इसका पर्पस ही यही है कि हमारे पास जो हमारा रिटर्न मटेरियल्स हैं, मतलब जो हमारे पास हमारे स्टॉक में रजिस्टर में मेंटेन है, क्या वो फिजिकली अवेलेबल हैं कि नहीं, इस चीज़ को वेरीफाई करने का काम कहलाता है स्टॉक वेरिफिकेशन। देखते हैं स्टॉक टेकिंग और स्टॉक वेरिफिकेशन इज़ द फिजिकल चेकअप ऑफ द टोटल कलेक्शन ऑफ रेगुलेशन रेगुलर मोस्टली एनुअल इंटरवल। ड्यूरिंग स्टॉक वेरिफिकेशन बोरोवर्स आर रिक्वायर्ड टू रिटर्न बुक्स दे हैव टू बोरोड लाइब्रेरी एंड क्लोज टू द कम्युनिटी यूजर्स। देखिए जब स्टॉक वेरिफिकेशन किया जाता है, जैसे मैंने बताया को आपको, ये मोस्टली एनुअली किया जाता है, साल में एक बार होगा। और जब ये प्रोसेस स्टार्ट होती है, ठीक है, ज़्यादातर ये हॉलीडेज़ के टाइम में किया जाता है, जैसे स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, ऐसे टाइम में की जाती है जब ये कॉलेज बंद हो, स्कूल्स बंद हो, लाइब्रेरीज या बंद हो। जैसे पब्लिक लाइब्रेरीज में जब समर वेकेशन या गवर्नमेंट की छुट्टियां डिक्लेयर होती हैं 4 या 5 दिन की, तब तो उस समय ये स्टॉक वेरिफिकेशन किया जाता है। और स्टॉक जब वेरिफिकेशन स्टार्ट होता है तो जितने भी यूज़र्स होते हैं उनसे ये बोला जाता है कि आप अपने अपने जितने भी मटेरियल्स हैं वो वापस करिए, स्टॉक वेरिफिकेशन की प्रोसेस होगी। और जब ये कंप्लीट हो जाता है फिर से इसको रीओपन किया जाता है यूज़र्स के लिए। बुक्स आर वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ द SSN रजिस्टर ऑन द कम्प्लीशन ऑफ चेकिंग लिस्ट ऑफ मिसिंग बुक्स इज प्रिपेयर्ड एंड प्लेस बिफोर द अथॉरिटीज फॉर राइटिंग ऑफ द लॉस्ट मटीरियल। इन स्कूल एंड स्मॉल कॉलेज लाइब्रेरीज लाइब्रेरियंस आर ऑफ्टन मेड टू अकाउंटेबल फॉर द लॉस एंड सम केसेज इवन मेड फॉर द पे फॉर द लॉस बुकिंग्स। देखिए जब स्टॉक वेरिफिकेशन कम्प्लीट हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कभी ना कभी होता है कि 4 बुक नहीं मिली हैं, 10 बुक्स नहीं मिली हैं, तो ऐसे केसेज में देखा जाता है कि जब ये रिपोर्ट आगे फॉरवर्ड की जाती है हायर अथॉरिटीज़ को, तो उनसे ये रिक्वेस्ट की जाती है कि अब इनको हम लोग, क्योंकि बुक्स लॉस हो चुकी हैं, ख़राब हो गई हैं, अब हमारे पास है नहीं फिज़िकली, तो इनको हम लोग अपने SSN रजिस्टर से हटा दें, उसको निकाल दें, क्योंकि हमें फालतू का वो स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ेगा। कोई आएगा पूछेगा हमारे SSN रजिस्टर में तो वो मेंटेन होगी कि हाँ है, बट वो फिज़िकली अवेलेबल होगी नहीं हमारे पास, इसलिए हमें उन्हें राइट ऑफ करना ज़रूरी होता है। और स्कूल कॉलेजेस में जो ऐसे लॉसेस होते हैं वो अक्सर देखा जाता है कि वो लाइब्रेरियन को उसके लिए लाइबल माना जाता है और उनके लिए उनसे पेमेंट भी कभी कभी ली जाती है। एडवांटेजेस क्या हैं स्टॉक वेरिफिकेशन के, आइडेंटिफाई द लॉस्ट बुक इन अ लाइब्रेरी, ठीक है, अपॉर्चुनिटी टू स्टाफ टू गेट मोर एक्विटेंस विद द लाइब्रेरी कलेक्शंस। वो एक बार पूरे लाइब्रेरी के कलेक्शंस को देख लेते हैं जिससे उनको पता चलता है कि हमारी लाइब्रेरी में एक्चुअल क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइटल्स नीडिंग रिपेयर रिप्लेसमेंट एक्सेट्रा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइटल फिट फॉर डिस्कार्डिंग,
हेल्प रेक्टिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड सच एज कैटलॉगिंग सेल्फ लिस्ट रिगार्डिंग मटेरियल्स बुक्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइटल्स इन नीड ऑफ टैग्स ड्यू डेट स्लिप बुक कार्ड एंड रिप्लेसमेंट अंडरस्टैंडिंग इफेक्टिवनेस एंड अदरवाइज ऑफ लाइब्रेरी सिक्योरिटी सिस्टम थ्रू थॉट डस्टिंग ऑफ सेल्स एंड क्लीनिंग ऑफ बुक्स। तो ये कुछ ऐसे एडवांटेजेस हैं जिनकी वजह से, मतलब जब स्टॉक वेरिफिकेशन होता है तो उसकी वजह से हमारे पास ये कुछ एडवांटेजेस मिल के आते हैं जो अपने आप हो जाते हैं, जिसमें हम लोग पूरी लाइब्रेरी को एक बार फिर से देख लेते हैं, कोई मटेरियल डस्ट वेस्ट होती है तो वो साफ़ हो जाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें एडवांटेजेस मिलते हैं स्टॉक वेरिफिकेशन के। डिसएडवांटेजेस क्या मिलेंगे? स्टॉक वेरिफिकेशन इज ए लेंथी प्रोसेस, देयर ऑफ द रिमेन क्लोज फॉर द लॉन्ग टाइम। बहुत लंबा प्रोसेस होता है, 10 दिन 15 दिन लग जाती है। बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज में तो महीने महीने तक स्टॉक वेरिफिकेशन चलता है, तब तक हमें लाइब्रेरीज को बंद रखना पड़ता है। पेट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू रिटर्न बुक्स बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरीज, जितने भी हमारे यूजर्स हैं उनको वापस करनी पड़ती हैं बुक। एक्युमुलेशन ऑफ वर्क इन एक्विजिशन टेक्निकल सेक्शंस, ठीक है, टेक्निकल सेक्शंस को एक बार फिर से पूरा लेंथी प्रोसेस करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। डिस्पाइट द बेस्ट पॉसिबल सिक्योरिटी सिस्टम ऑन नो लाइब्रेरी क्लेम्स जीरो ऑफ द बुक्स, बहुत अच्छा सिस्टम बना लीजिए आप सिक्योरिटी का, फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई लॉस या डैमेज हो ही जाता है। स्टाफ टाइम इज़ वेस्टेड इन फर्टाइल एक्टिविटी, और स्टाफ का जो प्रीशियस टाइम है वो ख़राब होता है। स्टॉक वेरिफिकेशन के कुछ मेथड्स किस तरह से किया जाता है स्टॉक वेरिफिकेशन, इसमें देखेंगे आप। स्टॉक वेरिफिकेशन विद एसेशन रजिस्टर, एसेशन रजिस्टर लिया जाता है और एक एक स्टॉक को वहाँ पे पर्सनली काउंट करते हैं, इसको कहते हैं एसेशन रजिस्टर से स्टॉक वेरिफिकेशन करना। डमी ऑफ एसेशन रजिस्टर, एसेशन रजिस्टर का एक डमी बना लिया जाता है एकदम हूबहू कार्बन कॉपी, और उससे फिर हम लोग सारे स्टॉक्स को वेरीफाई करते हैं। स्टॉक वेरिफिकेशन विद बुक कार्ड, जो बुक कार्ड्स होते हैं लाइब्रेरी में बुक्स, हर बुक्स के, उनसे हम लोग स्टॉक वेरिफिकेशन करते हैं पर्सनली। न्यूमेरिकल काउंटिंग मेथड्स, ठीक है, एक एक काउंट करके, मतलब 1, 2, 3, 4 बुक्स काउंट किया और फिर हमने एसेशन रजिस्टर में देख लिया कि कितनी बुक्स हैं, वो हो सकता है स्टॉक वेरिफिकेशन विद सेल्फ लिस्ट और कार्ड। देखिए हर चीज़ के ना, हर मेथड के कुछ अपने अपने एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में इतना डिटेल में मेंशन चीज़ें हैं नहीं, तो हमने इसको यहाँ पे नहीं देखा। प्री कंडीशंस क्या क्या होती हैं स्टॉक वेरिफिकेशन, मतलब स्टॉक वेरिफिकेशन करने से पहले कुछ हमें प्री कंडीशंस देखनी पड़ती हैं, उसमें हैं सर्कुलेशन वर्क इज स्टॉप्ड एंड इशू रिकॉर्ड्स फॉर फ्रोजन इन द एक्सटिंकिंग कंडीशंस। देखिए स्टॉक का जब वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा तो जितने भी इशू रिटर्न वाले प्रोसेस हैं वो सब खत्म कर दिए जाएंगे, जितनी बुक्स हमने इशू की थी वो वापस मंगाई जाएगी, सो दैट कि स्टॉक वेरिफिकेशन में चीज़ें आराम से हो सके। एंट्रीज ऑफ स्टाफ अदर देन द वेरिफिकेशन टीम टू बी स्टेक एंड इशू रिकॉर्ड्स आर क्लोज, जो स्टॉक वेरिफिकेशन काम करने में जो लोग लगे हैं सिर्फ उनकी ही एंट्री अवेलेबल होती है, अलाउड होती है लाइब्रेरीज में, अदर बाकी स्टाफ और रीडर्स के लिए लाइब्रेरी क्लोज होती है। देयर वेरिफिकेशन वर्क इज़ नॉट डन इन ब्रोकन स्टेज, और ये अलग अलग स्टेजेस में नहीं होगा, एक बार वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ तो वो जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक ये वेरिफिकेशन चलता है, मतलब अलग अलग पार्ट्स में इसको नहीं कर सकते। तो ये तीन कुछ प्री कंडीशंस हैं अगर हम लोग स्टॉक वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं तो। ओके नेक्स्ट देखते हैं वीडिंग। वीडिंग का मतलब होता है छटना, निकालना। देखिए रंगनाथन जी का 5th लॉ, लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, हमेशा लाइब्रेरी में कुछ ना कुछ नया आता रहता है, ठीक है, नई नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं, नए नए नॉलेज आ रही हैं, नए नए बुक्स मटेरियल्स या रिसोर्सेज हमारे पास आते रहते हैं। तो जब नई चीज़ें आ रही हैं तो ऑब्वियसली बात है जो चीज़ें आउटडेटेड हो चुकी हैं, जो पुरानी हो चुकी हैं, जो डैमेज हो चुकी हैं, उनको हमें बाहर करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग करते हैं वीडिंग का प्रोसेस, देखते हैं क्या होता है। रिमूविंग बुक्स नॉट नीडेड फॉर वन रीज़न और अदर फ्रॉम कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी इज कॉल्ड वीडिंग आउट। रिमूविंग ऑफ बुक्स, बुक्स को हटाना, निकालना, क्यों, किस कारण से, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आउटडेटेड हो चुकी होगी, फट गई है, यूज़ नहीं है, या अब उसके रिलेवेंट नहीं है, अब ज़रूरत नहीं रह गई, या उसका कुछ नया वर्जन या एडिशन आ चुका है, तो इसलिए हम लोग उनको वाइंड आउट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं वीडिंग। रिमूविंग नॉन कलेक्शन फ्रॉम प्राइमरी कलेक्शंस एरिया, जो प्राइमरी कलेक्शन एरिया है मतलब जहाँ पे हम लोग की प्राइमरी बुक्स रखी हुई हैं, उनको वहाँ से निकाल कर किसी और जगह रखना या कबाड़ में भेज देना, ये कहलाता है वीडिंग आउट। लाइब्रेरीज हैं सम पॉलिसीज ऑफ रिमूविंग अनवांटेड बुक्स फ्रॉम देयर कलेक्शन, एज फॉर डिस्पोजल ऑफ सच बुक्स इज कंसर्न, लाइब्रेरीज हैव टू अल्टरनेटिव बिफोर देम, एंट्रीज आइदर ट्रांसफर देम टू वन सेकेंडरी स्टोरेज इफ दे हैव वन,
और डिस्कार्ड ऑफ देम लाइब्रेरीज। देखिए बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं अपनी अपनी लाइब्रेरीज़ की, हर लाइब्रेरी की अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं, और उन्हीं पॉलिसीज़ को ध्यान में रखते हुए कि लाइब्रेरी में कैसी बुक्स रखनी है, कितने टाइम तक की बुक रखनी है, ठीक है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर वीडिंग का प्रोसेस किया जाता है। वीडिंग हैज़ बीन जस्टिफाइड एज इट हेल्प लाइब्रेरी इन, किस तरह से इसको जस्टिफाई कर सकते हैं या एम क्या है करने का, इसका औचित्य क्या है, पर्पस क्या होता है, सेविंग स्पेस फ्रॉम एडिशन एडिंग न्यू रिसोर्सेज ऑफ द कलेक्शन। ऑब्वियसली बात है जब तक पुराना हटेगा नहीं तब तक नए के लिए जगह बनेगी नहीं, तो कुछ नया अगर ऐड करना होगा तो वीडिंग प्रोसेस हमें सहायता करती है। इम्प्रूव एक्सेस टू रिसोर्स एंड दस इम्प्रूव एफिशिएंसी इन सर्विसेज। जब नए नए रिसोर्स आएंगे, नई चीज़ें आएंगी, अपडेटेड कंटेंट हमारे पास रहेगा, तो हमारी लाइब्रेरी की परफॉर्मेंस या उसमें एनहांसमेंट होगा। सेविंग मनी बीइंग स्पेंड इन मेंटेनेंस एडिशनल कॉपीज एंड अनयूज्ड रेयर यूज्ड मटेरियल स्पेशली इन ओपन एक्सेस सिस्टम विच मोर एक्सपेंसिव फॉर मेंटेनेंस। कुछ ऐसी पुरानी बुक्स जो बहुत दिन से रखी हैं, कोई यूज़ नहीं है, उनको फालतू में मेंटेन किया जा रहा है, स्पेस घेर के रखी हुई हैं, उनको हटा देना ही ज़्यादा अच्छा है, सो दैट कि नए मटेरियल्स के लिए आसानी से ईजी अवेलेबल हो सके। कीपिंग द कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी ऑप्टिमाइज साइज, एक सही साइज में रखना है लाइब्रेरी को ताकि उसको सब तक उसको आराम से एक्सेस मिल सके, ये इसका एक प्रोसेस है। क्रिटिसाइज ऑफ वीडिंग, देखिए वीडिंग को के एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, या इसके जो डीमेरिट्स हैं वो क्या होगा। इन्फॉर्मेशन इज आउटडेटेड, ओल्ड बुक इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए जो पुरानी बुक्स हैं जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, या कुछ ऐसी बुक्स जिनका डाटा अब खराब हो चुका है, मतलब पुराना हो चुका है, उनको हटाना, ठीक है। वॉल्यूम फिजिकली डैमेज बियॉन्ड रिपेयर, कुछ ऐसी चीज़ें जो अब रिपेयर के लायक ही नहीं बची हैं, उनको हटा देना, ये इनका एक पर्पस है। ओल्ड एडिशन सस्पेंडेड बाई न्यू अवेलेबल एडिशंस, कुछ पुराने एडिशंस को हटाकर न्यू एडिशन को फॉलो करना। एडिशनल कॉपीज टाइटल नॉट मैच इन द डिमांड, जो अब डिमांड में बुक्स नहीं हैं उनको हटाना। मटेरियल्स नॉट नीडेड ड्यू टू द चेंज इन द नीड्स, इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स हैज चेंज, अगर इंस्टीट्यूशन का ऑब्जेक्टिव ही चेंज हो गया तो उसको हटा देना, और मटेरियल वॉज रॉन्गली परचेस्ड, अगर ऐसी चीज़ें हैं तो वहाँ पर हम लोग वेडिंग आउट कर सकते हैं। बैरियर्स क्या हैं, मतलब क्या ऐसी चीज़ें हैं जो रोकती हैं। पहला है साइकोलॉजिकल, लाइब्रेरीज में ऐसा होता है, अक्सर देखा जाता है कि लाइब्रेरियंस किसी भी नई चीज़ को, मतलब किसी भी पुरानी चीज़ को हटाने से थोड़ा सा एक बार हिचकते हैं, साइकोलॉजिकल, कि पता नहीं कब कौन सा रीडर आ जाए, ये बुक मांग ले तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। साइकोलॉजिकल लैक ऑफ टाइम, टाइम ही नहीं है वीडिंग आउट करने का, देखने का कि कितना स्टॉक हमारे पास पुराना है, आउटडेटेड हो चुका है, उसको हटाया जाए। फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, कुछ गलती ना हो जाए, कोई ऐसी बुक ना निकल जाए या निकाल दी जाए जो कभी बहुत यूजेबल हो सकती है। एंटी लाइब्रेरी कल्चर, किसी कल्चर, लाइब्रेरी का कल्चर ही नहीं है पुरानी बुक्स को हटाना, ठीक है। बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं वो कभी अपनी बुक्स को हटाती नहीं है। लैक ऑफ यूज़र सपोर्ट, यूज़र्स भी कभी कोई सपोर्ट नहीं करता कि पुरानी बुक्स रखी हैं, सर हमें ये नया एडिशन चाहिए, नई चीज़ें चाहिए, ये चीज़ें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, ये चीज़ें आती हैं। प्रेस्टीज ऑफ साइज ऑफ कलेक्शंस, हमें अपनी लाइब्रेरी का साइज़ बहुत बड़ा करना है, बहुत ज़्यादा किताबें हैं तो पुरानी बुक्स भी रखी रहेंगी तो लाइब्रेरी भरी भरी लगती है। फियर ऑफ फैकल्टी ऑब्जेक्शन, मतलब फैकल्टीज वाले भी बोलते हैं कि सर इतना पुराना मटेरियल आपने रखा था, वो बुक हमें चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जो बैरियर्स बनते हैं वीडिंग आउट के कि आप यहाँ पे इन बुक्स को ना निकालिए। प्रोसेस क्या होता है वीडिंग आउट का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द टीम ऑफ सीनियर स्टाफ, देखिए कौन कौन करता है जब आप वीडिंग आउट करेंगे, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइब्रेरियन का मन आया तो उसने निकाल दिया, ठीक है, नहीं, पूरी एक कमेटी बनती है, डिस्कशन होता है, बुक्स की लिस्ट उनके पास जाती है और जो चीज़ें वहाँ पे फाइनल की जाती हैं उनको ही हम लोग निकाला जाता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ टीम ऑफ सीनियर स्टाफ्स, सीनियर स्टाफ्स की टीम बनती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइटल ऑफ वीडिंग आउट, जो जो टाइटल्स हमें हटाने हैं बुक्स का उनको दिया जाता है। एग्जामिनेशन ऑफ द टाइटल्स बाई फैकल्टी मेंबर, सेलेक्शन कमेटी इन केस ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज, और बहुत सारे सिलेक्शन कमेटीज़ में या फिर जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको ये बात बताई जाती है कि हम लोग ये बुक्स हटा रहे हैं। फाइनल अप्रूवल ऑफ द लाइब्रेरी अथॉरिटीज़, उनका जो फाइनल अप्रूवल मिलता है तब स्टार्ट होती हैं। सेपरेशन ऑफ मटेरियल फिट फॉर रिलीजिंग एंड दोज फिट फॉर डिस्कार्डिंग, तो जब ये चीज़ें फाइनल हो जाती हैं तब उसके बाद बुक्स स्टॉक से निकाली जाती हैं। प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ बुक डिस्कार्डिंग, लिस्ट बनाई जाती है। प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज जहां उनको रखा जाता है वहां पे उनकी लिस्टिंग की जाती है। मॉडिफिकेशन ऑफ वेरियस लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स, कैटलॉग सेल्फ, फिर जितने भी हमारे कैटलॉग्स और इन सब चीज़ें होती हैं, रिकॉर्ड्स जो हमारा प्राइमरी रिकॉर्ड है उनको फिर से मेंटेन किया जाता है, मतलब एडिशन किया जाता है उसमें। और डिसीजन ऑन द वे ऑफ डिस्कार्डिंग सेल्स टू सेकेंडरी स्टोरेज, और ओके फिर हम लोग जो भी हमारा डिस्कार्डेड मटेरियल है
उसको क्या करें, हम लोग सेल करें, किसी को डोनेशन दें, किसी लाइब्रेरी को और डोनेट कर दें, तो वो क्या करेंगे उसके बारे में फिर हम लोग डिसीजन लेते हैं। तो ये है हमारा एक वीडिंग आउट का प्रोसेस। ऐसा नहीं कि वीडिंग आउट सिर्फ एक व्यक्ति का काम है, यहाँ पे बहुत बड़े लोग या सीनियर स्टाफ लोग मिलते हैं, तब जाके वीडिंग आउट का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइए। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर करिए ताकि वो भी ऐसे ही कुछ वीडियोस को अच्छे से समझ पाएँ, देख पाएँ। मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ पर उनको फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।